बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज क्या होती है और किस तरह से ये बनती है और एक सेंटेंस में ये कौन कौन सी पोजीशन पर आ सकती है। तो अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देखते हैं तो इंशाल्लाह नाउन फ्रेज के बारे में आपके जो भी कन्फ्यूजन हैं वो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो जाएंगे। तो देखते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज से पहले सब हम देख लेते हैं कि फ्रेज क्या होती है। फ्रेज फ्रेज क्या होती है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। ऐसा अल्फाज का ऐसा ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, उसको हम कहते हैं फ्रेज। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that does not have subject verb combination, subject verb combination। तो ये क्या होगी? ये होगी phrase। तो नाउन फ्रेज क्या होती है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल है कि ऐसी फ्रेज जो एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अंजाम देती है। अ फ्रेज दैट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, ऐसी फ्रेज जो एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन अंजाम देती है उसको हम कहते हैं कि ये नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज a phrase that functions acts as a noun in a sentence is called नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज अब हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज को हम बना किस तरह से सकते हैं। नाउन फ्रेज को हम बना सकते हैं तीन तरीकों से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेकिंग नाउन फ्रेज, थ्री मेथड्स ऑफ मेकिंग नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज को बनाने के तीन तरीके हैं। कौन से हैं? There are three ways to form a noun phrase. A noun phrase. इसके three ways हैं, तीन अंदाज हैं। एक तरीका इसका क्या है? यह है using pre-modifiers. हम देखते हैं कि मॉडिफायर्स भी क्या होते हैं। नंबर टू, यूजिंग पोस्ट मॉडिफायर्स। और तीसरा तरीका है यूजिंग बोथ प्री एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। जो ये तीन तरीके हैं नाउन फ्रेज को बनाने के। तो हम देखते हैं पहला जो तरीका है प्री मॉडिफायर्स, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से इसमें, इसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखें प्री मॉडिफायर्स को हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसके तीन हिस्से हैं। पहले में क्या आता है? डिटर्मिनर्स। दूसरा इसमें क्या आता है? नंबर्स। और तीसरा इसमें क्या आता है? एडजेक्टिव्स। तो ये
प्री मॉडिफायर्स में आते हैं। पहले देखते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। डिटर्मिनर्स देखें, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द, देखें इसको यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं ए एन द को। अ बुक, अ बुक, एन एप्पल, द बादशाही मास्क, बादशाही मस्जिद। तो इन तीनों को यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर एक आर्टिकल, और नंबर दो जो है इसमें आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स में क्या होते हैं, माय, हिज, यू आर, दे आर, एटसेट्रा। तो ये यूज करके, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। देखें, माय ब्रदर, माय ब्रदर, ठीक है, योर, योर सिस्टर, योर सिस्टर, देयर सन। तो इस तरह से हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स को यूज करके नाउन फ्रेज बना सकते हैं। इसके बाद आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, नंबर थ्री, नंबर थ्री जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में क्या होते हैं, दिस, दिस, दीज, दिस दैट, दीज दोज, दिस दैट, दैट, दीज दोज। देखें इनको यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं, दिस बॉय, दिस बॉय, दैट गर्ल, दीज चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो इसके बाद देखें क्वांटिफायर्स, नंबर फोर इसमें है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर, डिटर्मिनर्स में नंबर फोर है क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, जो क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है, सम, सम, अ फ्यू, द फ्यू, सेवरल, एटसेट्रा। तो जो क्वांटिटी को बताते हैं इनको यूज करके भी हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं, क्वांटिफायर्स को यूज करके। देखें कैसे बनती है, ठीक है, सम बॉयज, सम बॉयज, ठीक है, उसके बाद सेवरल गर्ल्स, सेवरल गर्ल्स, इसमें लॉट ऑफ भी आ जाता है, अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन। तो नाउन फ्रेज हम बना सकते हैं इनको यूज करके। तो क्वांटिफायर्स को यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो डिटर्मिनर्स में हमने क्या देखा है कि डिटर्मिनर्स में चार चीजें आती हैं, क्या आती हैं, आर्टिकल इसमें आता है सबसे पहले, आर्टिकल को यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव जो हैं उनको यूज करके नाउन फ्रेज बना सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं इनको यूज करके नाउन फ्रेज बना सकते हैं, और नंबर चार इसमें आते हैं क्वांटिफायर्स, तो जो क्वांटिटी को बताते हैं इनको यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं नंबर्स, नंबर्स में दोनों ही नंबर्स आते हैं, जिसमें ऑर्डिनल नंबर और कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर्स में देखें वन टू, वन टू, और फर्स्ट, फर्स्ट, सेकंड इसमें। तो इस तरह से देखें वन बॉय, वन बॉय, ठीक है, द फर्स्ट,
फर्स्ट स्टूडेंट, तो इनको यूज करके भी हम नाउन फ्रेज जो है उसको हम बना सकते हैं। तो नंबर्स को यूज करके भी हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं, ये प्री मॉडिफायर्स में आता है। और एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स नंबर थ्री हमारे पास हैं मॉडिफायर्स में एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स को देखें हम यूज करके नाउन फ्रेज कैसे बना सकते हैं। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स तो देखें इसमें स्टूपिड, स्टूपिड बॉय, अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल। तो हम एडजेक्टिव्स को यूज करके भी नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो हम प्री मॉडिफायर्स को यूज करके नाउन फ्रेज बना सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला ये है कि जब हम प्री मॉडिफायर्स को यूज करते हैं तो डिटर्मिनर्स, हम दो डिटर्मिनर्स को इकट्ठा यूज नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। मसलन डिटर्मिनर में इसकी एग्जांपल ये है कि माई दिस बॉय या माई दिस स्टूडेंट, इस तरह से हम यूज इसको नहीं कर सकते। दो डिटर्मिनर्स को हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम दो मॉडिफायर्स को यूज करना चाहते हैं तो फिर हम उनको यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें तरतीब ध्यान में रखना होगी। उसकी मैं एग्जांपल देता हूं। देखें अगर मॉडिफायर्स को, दो मॉडिफायर्स को यूज करके हम सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो उसकी तरतीब हम देखते हैं कि देखिए दीज टू गुड लुकिंग बॉयज। अब देखें पहले क्या है, पहले क्या आएगा, पहले आ गया डिटर्मिनर प्लस क्या आ गया, नंबर प्लस नंबर आपको यूज करना होगा। और उसके बाद क्या होगा, एडजेक्टिव और उसके बाद क्या होगा, नाउन। तो अगर आप दो जो मॉडिफायर्स हैं, प्री मॉडिफायर दो अगर यूज करके सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको फिर ये जो तरतीब है ये ध्यान में रखना होगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडिफायर्स कौन से हैं। पोस्ट मॉडिफायर्स, तो प्री मॉडिफायर्स हमने देखे हैं कौन से हैं और पोस्ट मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स, पोस्ट मॉडिफायर्स कौन कौन से हैं। तो पोस्ट मॉडिफायर्स में हम देखते हैं कि चार चीजें इसमें पोस्ट मॉडिफायर्स में आती हैं। नंबर वन, पोस्ट मॉडिफायर्स में आता है प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज इसमें आती है। नंबर टू, जेरंड फ्रेजेज, जेरंड फ्रेजेज इसमें आती हैं। नंबर थ्री, इन्फिनिटिव फ्रेजेज और नंबर फोर इसमें आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये चार चीजें जो हैं ये पोस्ट मॉडिफायर्स हैं, ये नाउन के बाद में आकर उसको मॉडिफाई करती हैं। जो प्री मॉडिफायर थी वो नाउन से पहले आकर उसको मॉडिफाई करती थी, लेकिन पोस्ट मॉडिफायर जो हैं वो नाउन के बाद में आएंगी और उसको मॉडिफाई करेंगी। इनकी हम एग्जांपल देखते हैं। पहले है प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज देखें, इसकी एग्जांपल, द गर्ल विथ अ स्कार्फ, द अ गर्ल विथ अ स्कार्फ। देखें विथ प्रेपोजिशनल, विद अ स्कार्फ क्या है, हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो ये नाउन के बाद में आई है। इसको जुमले को मुकम्मल अगर कर लें, द गर्ल विथ अ स्कार्फ इज माई सिस्टर,
is my sister. The man in a black shirt is my brother, is my friend. इस तरह से हम जो prepositional phrases हैं इनको use करके noun phrase बना सकते हैं. तो ये सारी हमारी देखें, the girl with a scarf, ये हमारी क्या है, ये सारी noun phrase है और ये subject के तौर पे आ रही है. तो अब हम देखते हैं कि gerund phrase को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए. जीरेंड फ्रेज को नाउन फ्रेज बनाने के लिए हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो इसमें देखें, दीज द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, नेक्स्ट to you, the man standing next to you, standing next to you क्या है, standing next to you क्या है, gerund phrase है. so gerund phrase के साथ the man, man को modify कर रही है noun, the man standing next to you, मुझे को अगर मुकम्मल करें, is my friend. तो gerund phrase के साथ है, देखें the man standing next to you, यहां तक क्या है, ये जीरेंड फ्रेज है, ठीक है, नाउन का काम कर रही है और ये जुमला हमने मुकम्मल कर दिया उसके बाद. तो देखें, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू इज माई फ्रेंड, तो ये जीरेंड फ्रेज है हमारी. जीरेंड फ्रेज के साथ हम जीरेंड फ्रेज को यूज करके हम नाउन फ्रेज बनाते हैं. तो ये एक है तरीका. आगे हम देखते हैं कि हम इन्फिनिटिव फ्रेज को यूज करके कैसे नाउन फ्रेज बना सकते हैं. देखें बुक्स टू रीड, इन्फिनेटिव फ्रेज में क्या होता है, टू प्लस वी वन, जैसे है बुक्स टू रीड, बुक्स टू रीड. तो हम लिख सकते हैं आई डोंट हैव बुक्स टू रीड. तो देखें हमने क्या यूज किया है, आई डोंट हैव बुक्स टू रीड. तो हमने बुक्स टू रीड नाउ, इसको इन्फिनेटिव फ्रेज को यूज करके हमने, इन्फिनेटिव फ्रेज को यूज करके हमने क्या बनाया है, नाउन फ्रेज बनाया. तो ये भी नाउन फ्रेज है, बुक्स टू रीड नाउन फ्रेज है, इसको हम इन्फिनेटिव को यूज करके हमने इसको बनाया है. तो आगे हम देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके हम किस तरह से नाउन फ्रेज बना सकते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन में कैसे, दिस रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, Who, whose, whom, that, which, ये relative pronoun होते हैं, इनको use करके हम किस तरह से noun phrase जो है वो बना सकते हैं. The man who met me on the road was My brother. देखें हमने इसमें क्या यूज किया है, who, relative pronoun who हमने यूज किया है और who को यूज करके हमने क्या बनाया है, हमने noun phrase बनाई है. The man who met me on the road, ये हमारे पास पूरी क्या है, noun phrase है. noun phrase ये अल्फाज का मजमुआ है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकला. The man who met me ऑन द रोड, आदमी जो मुझे सड़क पर मिला, तो पूरा मफहूम अदा नहीं कर रहा, ये नाउन फ्रेज है, ठीक है. तो नाउन फ्रेज यहां तक ये नाउन फ्रेज है और उसके बाद देखें हमने जुमला मुकम्मल कर दिया है, वाज माई मेट मी ऑन द रोड, यहां तक ये नाउन फ्रेज हो गई, वाज माई ब्रदर. तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करके नाउन फ्रेज बनाई है. तो हम देखते हैं कि ये थे पोस्ट मॉडिफायर, अब हम देखते हैं कि दोनों प्री एंड पोस्ट मॉडिफायर दोनों को यूज करके किस तरह से हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं, प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर. देखें इसमें लिखा था दिस या द मैन, देखिए द मैन हु, पीछे वाला जुमला ही लिख लेते हैं, द मैन हु सॉ मी saw me
ऑन द रोड, ऑन द रोड इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। देखें ये क्या है, प्री मॉडिफायर है, प्री मॉडिफायर द मेन, द लगा है, आर्टिकल लगा है, तो आर्टिकल लगा के हम इसके साथ है, ये प्री मॉडिफायर है, और उसके बाद ये क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है, हु मेट मी ऑन द रोड, पोस्ट मॉडिफायर है। दोनों को हमने यूज किया है और हमने नाउन फ्रेज बना ली है। तो यहां तक हमारी नाउन फ्रेज है, तो दोनों को प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर दोनों को यूज करके हम नाउन फ्रेज बना सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि नाउन फ्रेज जो है उसकी पोजीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, नाउन फ्रेज की पोजीशंस कौन सी हो सकती है। तो नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ सकती है, सब्जेक्ट की पोजीशन पे आ सकती है। नंबर टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे आ सकती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर पे आ सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन फ्रेज जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे आ सकती है। और तीसरा प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन ये क्या है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये आ सकती है। और तीसरा क्या है कि ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकती है। तो इसकी पोजीशंस हम देखते हैं कि किस तरह से एग्जांपल की मदद से कि इसकी पोजीशन जो कैसे हैं। सब्जेक्ट के तौर पे देखें, दिस बॉय इज माय फ्रेंड। तो देखें दिस बॉय क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे दिस बॉय नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट के तौर पे आ रही है, ठीक है। आई ऑब्जेक्ट के तौर पे देखें, आई लाइक, आई लाइक दिस बॉय, आई लाइक दिस बॉय। देखें दिस बॉय ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो नाउन फ्रेज है ऑब्जेक्ट के तौर पे है यहाँ पे। अब देखें प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज में किस तरह से प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऑब्जेक्ट के तौर पे कैसे आ सकती है। प्रेपोजिशनल फ्रेज का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसमें देखें शी लिव्स, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, शी लिव्स इन अ बिग हाउस, शी लिव्स इन अ बिग हाउस। देखें इन क्या है, प्रेपोजिशन है, तो अ बिग क्या है, अ बिग हमारे पास मॉडिफायर है, और हाउस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, हाउस है। तो प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी ये आ सकती है। तो आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ सकती है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ सकती है। देखें जुमला लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अली, अली इज माई फेवरेट, फेवरेट टीचर, अली इज माई फेवरेट टीचर। देखें अली, यहाँ पे अली और फेवरेट टीचर, माई फेवरेट टीचर और अली, दे आर वन एंड सेम थिंग। क्या है, ये अली का कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये अली जो है वो इक्वल टू है माई फेवरेट, माई फेवरेट, माई फेवरेट टीचर के। तो अली इज इक्वल टू माई फेवरेट टीचर, जो अली है वही फेवरेट टीचर है, जो फेवरेट टीचर है वही अली है, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो देखें माई फेवरेट टीचर क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और क्या है, नाउन फ्रेज भी है। तो ऑब्जेक्ट जो है, नाउन फ्रेज जो है वो कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकती है। तो कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं। तो नाउन फ्रेज की हमने चार पोजिशंस डिस्कस की हैं कि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकती है, और ये प्रेपोजिशन फ्रेज के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकती है, और इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी पोजिशन अपनी ले सकती है। तो इस तरह से हम इसको
इसकी पोजीशंस को हम देख सकते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों को देखा जाए जो हमने डिस्कस किए हैं, तो नाउन फ्रेज के बारे में आप कोई अभाम बाकी नहीं रहना चाहिए। नाउन फ्रेज को आप इस अंदाज से आसानी से बना सकते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसको मज़ीद आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बेस्ट ऑफ लक इस वीडियो से फिलहाल। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।